नमस्कार साथियों, ये देखिए जितने भी एमपीएस पीड़ित साथी हैं उनके लिए एक अखबार की कटिंग जो कि हमारे मंत्री मोदी ने जो बयान दिया था और विधानसभा में प्रस्तुत किया है उसकी कॉपी लेके आया हूं। इसकी हेडिंग है राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी चालू। और इसमें शांति धारीवाल जी ने जो बयान दिया है उसमें वो ये कहते हैं कि एमपीएस के लिए प्रति वर्ष राज्य सरकार जो है वो 1800 करोड़ रुपए खर्च करती है और यदि वो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देती है तो उसको खर्च करने होंगे 17,989 करोड़ रुपए, जो कि राजकोष पे एक बहुत बड़ा घाटा है। देखने में तो ये आंकड़ा ऐसे लगता है जैसे ये असंभव आंकड़ा है और सरकार यहां पर कर्मचारियों पे 10 गुने पैसे खर्च करने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन मैं आज इसको आपको सिद्ध करके और कुछ आंकड़ों से ही आंकड़े समझाने की कोशिश करूंगा, जो आंकड़े ये सिद्ध करेंगे कि वास्तव में हम अपना मूल जो पैसा है उस पैसे के बिना केवल उसके ब्याज से भी ओल्ड पेंशन ले सकते हैं। देखिए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक सामान्य कर्मचारी की 35 वर्ष की जो सेवा काल है उस सेवा काल की गणना करते हैं कि कितना पैसा आता है, कितना हम राजकोष को देते हैं और वो हमें क्या देते हैं। देखिए जहां से मंत्री मोदी ने बात खत्म की है वहीं से शुरू करते हैं। 1800 करोड़ रुपए सरकार हमें एनपीएस के रूप में खर्च करती है हमारे ऊपर, तो 1800 करोड़ रुपए कर्मचारी की तनख्वाह से काटे जाएंगे। 1800 करोड़ और 1800 करोड़ जुड़ के प्रथम वर्ष में 3600 करोड़ रुपए होते हैं। और इसी बयान का अगला हिस्सा है कि प्रति वर्ष 10% खर्चा बढ़ता जा रहा है तो यहां पर 180 करोड़ रुपए बढ़ेंगे, तो ये 1980 करोड़ रुपए ही सरकार जमा करेगी, तो ये पैसे होते हैं 3960 करोड़ रुपए। तीसरे वर्ष में राशि होती है 2178 करोड़ रुपए कर्मचारी के, 2178 करोड़ रुपए सरकार के, और ये पैसा होता है 4356 करोड़ रुपए। चौथे वर्ष में ये राशि होती है 2396 करोड़ रुपए और सरकार इसी पे इतने ही पैसे मिलाएगी तो ये राशि होगी 4792 करोड़ रुपए। पांचवे वर्ष में 2636 रुपए कर्मचारी के तनख्वाह से काटे जाएंगे 10% एनपीएस के लिए और 10% गवर्नमेंट मिलाएगी, तो ये पैसे होते हैं 5272 करोड़ रुपए। शुरू के ये पांच साल वर्ष के जो पैसे हैं ये होते हैं 21980 करोड़ रुपए। इस पैसे को मैंने सरकार की इन्वेस्ट की बजाय जो हमारी सार्वजनिक उपक्रम और संवैधानिक संस्थाएं उनमें निवेश करने से कितना बेनिफिट होगा, मेरा पूरा मैटर इसी पे आधारित है। इसके लिए मैंने बेस बनाया है, पांच वर्ष के लिए पोस्ट ऑफिस की आरडी जब होती है तो उसमें 1000 रुपए की मेच्योरिटी 72600 रुपए होती है। तो यदि इसी पैसे को जिस तरीके से पर मंथ हमारी पेमेंट से काटा जा रहा है, यदि गवर्नमेंट इसको पोस्ट ऑफिस में एक आरडी के रूप में इन्वेस्ट भी करे तो उस पे मैच्योरिटी कितनी आएगी, ये है इसका आधार पांच वर्ष का। और जब इन पैसों को पोस्ट ऑफिस में आरडी के रूप में पांच वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो इसकी मैच्योरिटी होगी 25,000 करोड़ रुपए। और इन 25,000 करोड़ रुपए को एसबीआई बैंक, जो हमारे देश का सबसे बड़ा उपक्रम है, इसके अंदर यदि पांच वर्ष के लिए एफडी के रूप में इन्वेस्ट किया जाए तो ये पैसे बनते हैं शुरू के पांच वर्ष में 36,250 करोड़ रुपए। फिर इसी को वापस पांच वर्ष के लिए एफडी किया जाए तो ये पैसे बनते हैं 52,562 करोड़ रुपए। इसी को वापस पांच वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ये बनते हैं 76,215 करोड़ रुपए। और इसको अगले पांच वर्ष के लिए यानी 25 से 30 वर्ष के बीच का जो समय उसके लिए वापस एफडी की जाती है तो ये बनते हैं 1,10,512 करोड़ रुपए। और लास्ट 30 से 35 वर्ष का जो आयु काल है एक सर्विसमैन का लास्ट साल, उसके लिए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे बनते हैं 1,60,243 करोड़। और इन पैसों को अब जब लास्ट टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसे बनेंगे 2,32,552 करोड़ रुपए। यानी कि एक कर्मचारी के शुरुआती पांच वर्ष में जो एनपीएस कटता है उसका लास्ट जब 35 वर्ष की उसकी सर्विस पूरी होती है तो पैसे बनते हैं 2,32,352 करोड़ रुपए। ये प्रारंभिक पांच वर्ष का पैसा है जो लास्ट में 35 वर्ष की उसकी सेवा पर पूर्ण होके उसको मिल सकता है पोस्ट ऑफिस आरडी प्लस एसबीआई बैंक की एफडी से।
इसी प्रकार 5 से 10 साल के अंदर जितना पैसा आएगा और इन्वेस्ट होगा वो पैसा बनता है 2,79,208 करोड़ रुपए। 11 से 15 वर्ष के बीच में जो पैसा आए कटेगा और उसी को उसी क्रम में हम पोस्ट ऑफिस और एसबीआई बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बनता है 3,04,882.29 करोड़ रुपए। 16 से 20 वर्ष के 5 वर्ष के अंतराल में जो पैसा कटता है और इन्वेस्ट होता है उस पैसे से पैसा बनता है 3,38,412 करोड़ रुपए। 25 से 30 वर्ष के बीच में जो पैसा कटेगा उसके इन्वेस्ट से पैसा बनता है 3,75,954.33 करोड़ रुपए। और अंतिम जो 5 वर्ष है 31 से 35 वर्ष की सर्विस के उसमें पैसा बनता है 4,63,841.4 करोड़। इस प्रकार से इन सारे पैसों को प्रथम वर्ष से 35 वर्ष की लास्ट की आयु तक सर्विस की जो आयु है वहां तक काउंट करें तो ये पैसा बनता है 24,56,255.53 करोड़ रुपए। और इस पैसे के अंदर यदि हम वर्तमान में अभी ताजा सरकार ने जो 10 से 14% किया है एनपीएस की कटौती में अपना हिस्सा यदि उसको मिलाएं उस पैसे को मिलाएं तो ये पैसा 20% का है, ये 4% अतिरिक्त बढ़ाया तो इसी का 4% यदि यहां पर लेते हैं अपन तो ये 4,91,251.10 करोड़ रुपए होते हैं। इस प्रकार से इन दोनों राशियों को मिलाया जाए तो हमारी वर्तमान में सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है एनपीएस कर्मियों पर वो पैसा बनता है 30 लाख करोड़ रुपए। और इसी पैसे में से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय वो 60% पैसा रिटर्न करेगी तो 60% में पैसा बनता है 18 लाख करोड़ रुपए। तो शेष जो राशि सरकार के पास हमारी बचती है जमा पूंजी वो 12 लाख करोड़ रुपए होती है जिसकी यदि एसबीआई बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जाए तो प्रतिवर्ष उसका ब्याज बनता है 84,732 करोड़ रुपए। ये हमारी पूंजी बचती है, उस पूंजी का ब्याज बचता है सरकार के पास। अभी मूल राशि सुरक्षित है, केवल ब्याज इतना बनता है। अब उसी बयान के दूसरे हिस्से पे आते हैं। धारीवाल जी का जो बयान है उसमें वो ये कहते हैं कि 17,989 करोड़ रुपए ओल्ड पेंशन यदि हम देते हैं कर्मचारियों को तो खर्च करनी पड़ेगी। एक बार देखिए आप, ये 84,732 करोड़ रुपया और ये है 17,989 करोड़ रुपया। यदि इस पैसे को हम बैंक के हिसाब से भी डबल के तरीके से माने तो ये पैसा कितना बनेगा, ये आप खुद गणना करें और ये बताएं इस पैसे की और इसमें कितने गुना का फर्क है। यदि हम इसको मोटे तौर पर भी लें तो ये 4 गुना से भी ज्यादा राशि है, जबकि यदि हम हर 10 वर्ष के अंदर राशि को कैलकुलेट करते हैं तो वो राशि इतनी ही बनती है। यानी कि हम यदि अपने जो मूल राशि है 12 लाख करोड़ रुपए हम एनपीएस कर्मियों ने राजस्थान सरकार के पास मूल राशि छोड़ी है वो यदि हम राज्य के हित के लिए छोड़ भी देते हैं, त्याग भी देते हैं, फिर भी हमें हमारे पैसे के ब्याज से ओल्ड पेंशन मिल सकती है। ये तो है उनके बयान का विश्लेषण। अब थोड़ी सी गणना हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मासिक पत्रिका है इंडिया टुडे, इसके जनवरी के संस्करण में जो छपा है सबसे ऊपर हेडलाइंस में एनपीएस पेंशन का टेंशन, इसी को यदि हम देखें और ये जानने की कोशिश करें कि वास्तव में एनपीएस का टेंशन है क्या चीज, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी गणना और आपको इसी से की भी बताऊंगा और उसके बाद में कुछ सवाल हैं जो हम सरकारों के सामने रखना चाहते हैं। इसी पत्रिका के अंदर जो दिया हुआ लेखा जोखा वो ये कहता है कि 1 जनवरी 2004 को सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने इसे अनिवार्य रूप से चालू किया था 1 जनवरी 2004 को, और इसी योजना को 1 मई 2009 के समय से आम नागरिक के लिए खोला है। और उसी समय पीएफआरडीए के चेयरमैन थे धीरेन्द्र स्वरूप, इन्होंने कहा था कि अगले 5 वर्ष में 8 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ेंगे। अब देखिए इसका क्या परिणाम आता है, 5 वर्ष में 8 करोड़ लोगों के जुड़ने का दावा किया था, जिस दावे की पोल इंडिया टुडे खोलती है और ये बताती है कि गवर्नमेंट कर्मचारियों पर सरकार ने अनिवार्य रूप से 100% इसको अपनाने का टारगेट थोप के जबरदस्ती उनसे ये लेने के लिए मजबूर किया, जबकि आम नागरिक जो कि इस लक्ष्य में 7 लाख और
7,39,00,000 होते हैं टारगेट के हिसाब से। केवल देश के 1,93,00,000 नागरिकों ने एनपीएस को अपनाया है। इसका मतलब इस योजना की सफलता 26.11% आती है, 26.11%। इस आंकड़े को ढंग से देखिए, 26.11% देश के ऐसे समझदार नागरिक हैं जो एनपीएस को अपनाना चाहते हैं, जबकि हमारे ऊपर सरकार ने जबरदस्ती 100% एनपीएस थोप दिए। ये तो रहा ये, और इसी के क्रम में इंडिया टुडे के अंदर ये देखिए, एनपीएस के वर्तमान चेयरमैन ने इनका बयान छपा है। इस बयान को आप गौर से पढ़िए, इस बयान में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इतना एश्योर्ड रिटर्न हमें मिलेगा। हर बात के लिए कहते हैं होगा, हो सकता है, मिल सकता है। कहीं पर भी इन्होंने इस चीज का दावा नहीं किया है कि हम इस पेंशन प्लान के जरिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं कर्मचारी को। उसी कर्मचारी की बात कर रहे हैं जो 35 वर्ष तक अपने खून पसीने से सरकारी योजनाओं को सींचता है और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य करता है। अब इसकी लास्ट लाइन को कोट करता हूं और आप फिर देखिए कर्मचारी की वास्तविक हालत, इस पैसे के अंतराल में क्या हालत है। इन्होंने लिखा है कि देश की सरकारें अगर नीयत साफ रखें तो नीतियों को दुरुस्त कर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन होती है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के इस घेरे को तेजी से बड़ा किया जा सकता है, लेकिन राजनीति की अंगीठी पर तर्क को सेका गया है। इस कारण से समस्या विकराल होती जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारी जो पेंशन है वो पेंशन हमारे लिए टेंशन है, लेकिन जो हमारे लिए नीति निर्धारक है उनके लिए एक राजनीतिक माहौल या राजनीतिक प्रश्न चिन्ह बन चुका है। ये तो थी एक कर्मचारी के पैसे की, एक कर्मचारी के पैसे की बंदरबांट। अब उसकी असली पीड़ा जो है, उस पीड़ा के रूप में मैं 3 प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों को रखना चाहूंगा, और उन प्रश्नों पर, ये प्रश्न मेरे दोनों ही लोगों से हैं, यानी कि राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों से ही एक विनम्र प्रश्न है जिसका मैं ये चाहता हूं कि शायद मेरे जनप्रतिनिधि मुझे इसका जवाब प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां या दल ये साफ करें कि उन्हें देश की संवैधानिक संस्था आरबीआई, देखिए एसबीआई में पैसा निवेश किया, इसका मतलब वहां विश्वास आरबीआई का, देश की संवैधानिक संस्था आरबीआई पे विश्वास करती है, या देश के सार्वजनिक उपक्रम पोस्ट ऑफिस पे, यानी कि देश के सार्वजनिक उपक्रम पोस्ट ऑफिस और संवैधानिक संस्था आरबीआई पे विश्वास करती है, या फिर एक मान्यता प्राप्त जुआगर शेयर बाजार और कॉरपोरेट सेक्टर पे विश्वास करती है। ये तो कम से कम देश की नीति निर्धारण करने वालों को, देश की जनता को बताना पड़ेगा कि वो किस पे विश्वास करती है, जुए पे या संवैधानिक संस्थाओं पे। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिन मेहनतकश कर्मचारियों का पैसा उनसे आवश्यकता पर वो निकासी नहीं कर सकते एनपीएस में, आवश्यकता अनुसार निकासी नहीं कर सकते, हिसाब नहीं मांग सकते, और इच्छा अनुसार निवेश का अधिकार छीनकर, यानी कि हमारा जो पैसा है, जिस पैसे पे हमारा अधिकार है, हमने कमाया है, उस पैसे को डिफॉल्टर और सेल कंपनियों के अंदर निवेश करना कहां तक संवैधानिक रूप से उचित है। और यदि ये लगता है कि भाई ये पैसा गारंटेड हमें कुछ देगा, तो इसके लिए भी मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। यूटीआई स्कैम हुआ था 1991 से 1993 के बीच में, यहां पर जो हमारा पैसा, एनपीएस का पैसा यूटीआई म्यूचुअल फंड निवेश करता है, उसने 1,000 करोड़ रुपए देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी को दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। नाम नहीं लूंगा यहां उस कंपनी का, आप चाहें तो यूटीआई स्कैम के नाम से गूगल पे सर्च कीजिए, कंपनी के नाम सही डिटेल आ जाएगी। 1,000 करोड़ रुपए दिए उस कंपनी ने, 2 साल बाद में यह कह दिया कि आप, हमें घाटा हो गया, केवल 300 करोड़ रुपए बचे आपके। और ऐसी स्थिति में उन 700 करोड़ रुपए जो डूबे निवेशकों के, आज डूबेंगे तो कर्मचारियों के, उस समय हम नहीं थे उस दायरे में, लेकिन उस समय भी निवेशकों का पैसा डूबा, उस पैसे की गारंटी ना तो भारत सरकार दे पाई और ना ही सेबी उस पैसे की गारंटी दे पाई। वो जो भी इन्वेस्टर थे वो सारे अपने आप को ठगा महसूस किए और उनका वो पैसा डूब गया।
तो क्या सरकार हमें उसी भट्टी में झोंकना चाहती है? इसके बाद में एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में कही थी कि जुआ एक ऐसी चीज है, शेयर बाजार भी सफेद जुआ है। जब पांडवों ने द्रौपदी जी को दाव पे लगाया तो उन्होंने अपनी गलती थी, उन्होंने दंड भुगता, लेकिन आज हमारा पैसा सरकार निवेश कर रही है उस शेयर बाजार में, कल को यदि उसका दंड भुगतना पड़ा तो क्या सरकार हमें एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी देती है? क्या वो दंड हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, इसकी गारंटी सरकार दे सकती है क्या? एक आखिरी प्रश्न है मेरा, देश की दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के जो शीर्ष पे बैठे हुए सत्ताधीश हैं उनसे है। हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और उसके मुखिया श्रीमान राहुल गांधी, जो ये कहते हैं बार बार कहते हैं, दिखाने का प्रयास भी करते हैं और हो सकता है कि वो सत्य भी हों, लेकिन उसी वे में मेरा एक प्रश्न है उनसे। उनके आराध्य देव है भगवान शंकर, बाबा अमरनाथ, जिनकी यात्रा पर अभी वो जाके आए और उन्होंने खूब उसका प्रचार किया। उनसे कुछ प्रेरणा लें और वो सीखें। जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो भगवान शंकर ने अपनी अनुयायी, या ये कहें कि आज वो यदि हमारे लिए भगवान है तो हम उनके कर्मचारी, वे तो अनुयायी है, अपने अनुयायी देवताओं को बचाने के लिए उस विष का पान किया और देवताओं को उसके बदले क्या दिया? अमृत दिया, जिससे कि वो अमर हुए। आज क्या वो हमारे से हमारे बुढ़ापे का अमृत, हमारी पेंशन छीन के खुद नहीं पी रहे हैं क्या? और नहीं पी रहे हैं, या उनकी नियत हमारे प्रति इतनी साफ है तो कम से कम वो खुल के कहते क्यों नहीं इस विषय में? दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो हमारे देश की उस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की श्रेणी में अपने आप को कहती है, और शायद उस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से ही वो आज यहां तक पहुंचे हैं। दूसरा प्रश्न मेरा हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी से है, अयोध्या और भगवान राम के नाम से दो सांसदों वाली पार्टी आज वास्तविकता में एक पूर्ण मेजोरिटी में संसद में बैठी है। भगवान राम के चरित्र से मैंने तीन अलग अलग जगह उठाई हैं जहां पर उन्होंने अपने ही अनुयायियों के लिए एक खुद के चरित्र से प्रेरणा सिद्ध की है, या ये कहें कि उन्होंने एक आयाम स्थापित किया है। दासी थी एक मंथरा, कर्मचारी थी, नौकर थी, उस नौकर के किए हुए और उसकी विचारधारा के कारण से भगवान राम को वनवास हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, जब भरत जी ने भी ये कहा कि नहीं मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं आपके साथ वन में चलूंगा, तो उन्होंने सहर्ष खुद वनवास स्वीकार किया था। दूसरा, जब लंका पर चढ़ाई की तो बाली और सुग्रीव दो ऐसे व्यक्ति थे, यदि रामचंद्र जी चाहते तो बाली को साथ लेते, रावण को बाली पहले हरा चुका था, लेकिन उन्होंने एक पतित को या एक शोषित व्यक्ति को साथ में लिया और लंका को जीता, जिसे उन्होंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि कोई व्यक्ति कमजोर है लेकिन वो यदि सही है, सत्य है उसकी बात, सिद्धांतों पे अड़ी गए, तो हमें लेना उसको साथ चाहिए। क्या आज ये कर्मचारी जो पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं ये अपने सिद्धांतों में गलत है, तो आप हमें अनुग्रहित कर सकते हैं, हमें समझा सकते हैं? एक गार्जियन तो अपने बच्चों को समझा ही सकता है। और एक आखिरी और छोटा सा प्रश्न है लास्ट इसी क्रम में, रामचंद्र जी से एक धोबी, और उसके कहने से उनको स्वयं को पता था कि ये बात गलत है, फिर भी उन्होंने जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए और सीता जी का त्याग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हम आपसे उस आचरण की उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद हमारी आखिरी आप हो, इसलिए कम से कम इन कर्मचारियों को इनके बुढ़ापे के लिए आप सुरक्षा दे सकते हैं, ये हमारी आपसे विनम्र अपील है, हम आपसे इस बात की उम्मीद रखते हैं, कम से कम आप हमारी बात पे सुनेंगे, ये हमारी आपसे विनम्र अपील है। ये है।